हमारे आदरणीय हरियाणा की शान, हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय दीपेंद्र जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह आए और अपना संबोधन करते पहले नारा लगा दो भाई, कांग्रेस पार्टी भाई तो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा आदरणीय दीपेंद्र जी राम राम जी राम राम ईप के न गली राम राम हमारे बीच में हरियाणा के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक पांच बार के जो लगातार हमारे गोहाना से विधायक आदरणीय जगबीर सिंह मलिक जी हमारे नौजवान साथी जो हमारे बीच में बिहार की उस धर्म और कर्म भूमि से चल के आए और जिन्होंने अपना ओजस्वी अपने विचार आपके बीच में रखे और वो मेरे संघर्ष के भी साथी हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए जहां भी संघर्ष की जरूरत पड़ती है तो हम देखते हैं कि वो सबसे अगली पंक्ति में उस संघर्ष में हमेशा शामिल रहते हैं। उनका मैं जींद जिले की तरफ से पूरे हरियाणा की तरफ से आज बिहार से चल के आए हैं उनका मैं आप सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप हरियाणा में आए हैं और मैं उनको निमंत्रण देना चाहता हूं कि आज आप आए। आप कह रहे थे कि ये पहला कार्यक्रम है आपका हरियाणा में, आपका अब लगातार हरियाणा में कार्यक्रम आपके होते रहे भाई साहब, आपका आपको हम निमंत्रण देते हैं, परमानेंट निमंत्रण देते हैं। और आपने सही कहा, बदलाव हरियाणा में तय है, सरकार हमारी बन रही है, आज कर्नाटक में शपथ है, हरियाणा में अगले साल शपथ करा देंगे और आपको उसमें आपकी भूमिका उसमें आपकी भूमिका उसमें रहे और आपके कार्यक्रम अब चलते रहें। हमारे भाई कन्हैया कुमार जी हमारे विधायक सफीदों से हमारे संघर्षशील साथी सुभाष देशवाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय परमिंदर सिंह ढूल जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रोफेसर राम भगत जी, पूर्व विधायक दयानंद शर्मा जी, आज के हमारे कार्यक्रम के आयोजक मेरे बहुत पुराने साथी, छात्र राजनीति से जब कन्हैया जी जेएनयू के अंदर छात्र राजनीति में अपनी जगह देश की राजनीति में बना रहे थे, उससे पहले प्रमोद जी दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति में मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर वहाँ और वहाँ से लेकर बहुत संघर्षशील साथी जिन्होंने बड़ी मेहनत अपने जीवन में करी है मेरे बहुत पुराने साथी हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आज इतनी गर्मी के अंदर पिछले कई दिनों से जिस रूप से आपने मेहनत करी, एक एक जींद के गांव में शहर के एक एक कोने में आप गए, आपकी मेहनत की तस्वीर आज इस गर्मी में, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में, ये रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी आपकी मेहनत की आज एक तस्वीर दिखाई दे रही है। आज के इस कार्यक्रम की जबरदस्त सफलता के लिए मैं प्रमोद आपको बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे जींद से पूर्व मंत्री रहे मांगेराम, स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता जी के सुपुत्र हमारे भाई महावीर गुप्ता जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष बलराम कटवाल जी, हमारे जो कैंडिडेट रहे जुलाना से धर्मेंद्र ढुल जी, भाई प्रदीप गिल जी, ओबीसी के हमारे चेयरमैन प्रदेश के रमेश सैनी जी,
हमारे भाई बलजीत रेडू जी, करतार सैनी जी जो अभी अभी जो भाजपा छोड़, करतार सैनी जी भाजपा छोड़कर जब अभी अभी कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुए, जिला परिषद के चेयरमैन हमारे भाई नरेंद्र जी, भाई महावीर कंप्यूटर जी, राजू लखेना जी, वीरेंद्र गोगड़िया जी, रोहित दलाल जी, मंजीत लाठर जी, मोहित लाठर जी, संजीव बुआना जी, ये भी भाजपा, संजीव बुआना जी भी जुलाना हल्के से भाजपा के प्रत्याशी रहे, अभी अभी भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। संजीव बुआना जी, ओम प्रकाश ढांडा जी, दिनेश डोला जी, विक्रम कुंडू जी, अनिल दलाल जी, धर्मपाल कटारिया जी, सुभाष अलावत जी, सुभाष वाल्मीकि जी, जगमाल चहल जी, दलबीर रेडू जी और सभी, क्योंकि ये तो नाम जो लिख के आए हैं, भाई रविंदर देशवाल जी, सुरेश भारद्वाज जी, सभी सभी बहुत से पार्षदगण, बहुत से सरपंचगण जो यहाँ पे उपस्थित हैं और जींद का पूरा कांग्रेस का परिवार, क्योंकि आप सब जिस जिसकी नज़र में नज़र मिल रही है, राजीव की नज़र में भी जो एक एक का नाम, क्योंकि तो लिख के आए हैं, नरेंद्र हमारे भाई पीसी के मेंबर, धर्मपाल कटारिया जी, भाई यशपाल रेडू जी, भाई संजय जी, ये तो लिखने वाले ने जो नाम लिख दिए वो मैंने सारे नाम पढ़ दिए ताकि ऐसा उलाना ना हो कि भी लिख के नाम आया था लेकिन पढ़ा नहीं, बाकी किसी का नाम रह गया तो लिखने वाले की कमी। और अगर फिर भी कोई भी अगर रह रहा हो, कोई भी ऐसा हो, कोई औपचारिकता की कोई बात हो, धर्मपाल जी, संडिल जी, नवीन सांगवान, जसवंत, और भी भाई कोई, जैसे जसवंत अपना नाम खुद ले रहा है कि मेरा भी रह गया, जसवंत का रह गया, ये इसी का था। हाँ, और हमारे पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री लेट आए लिखने वाले के लिस्ट की सूची के बाद, पूर्व हरियाणा के कृषि मंत्री, कई बार के हमारे विधायक सरदार परमवीर सिंह जी भी टोहाना से पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और भी किसी का कोई नाम रह गया हो तो, जैसे जसवंत अपना नाम ले रहा था, मेरे को बता देना, मैं ले दूंगा, घर की बात है, कोई कमी की बात नहीं। हरिओम के हरी भाई, हरिओम का भी रह गया। पिता तुल्य, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से गर्मी में बैठे, ऐसे समय पे आज ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन, इतनी पीक गर्मी में अग्नि बरस रही है जो हम कहते हैं, और उसमें अग्नि परीक्षा भाई प्रमोद ने भी दी पिछले इतने समय से इस कार्यक्रम की मेहनत करके, और आज वो अग्नि परीक्षा आप भी दे रहे हैं, तो मैं लंबी बात नहीं, लेकिन ऐसे समय पे आप और हम यहाँ पे हाथ से हाथ जोड़ो इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, जब चुनाव का बिगुल बज चुका है, एक साल के से अंदर लोकसभा का चुनाव, और जैसे कि बार बार कहा जा रहा है, जेजेपी कह रही है कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करो, वो तो कहेगी लोकसभा के बाद इनके विधायक रुकेंगे नहीं, उनको पता है और आपको भी पता है, ठीक बात है ना, तो जेजेपी कह रही है साथ कराओ, और अभी अमित शाह है केंद्रीय गृह मंत्री, दो दिन हरियाणा के दौरे पे वापस जाते हुए, पहला दिन तो गोहाना में उनकी रैली थी, वो रैली तो हो नहीं पाई क्योंकि उस दिन ज्यादा ठंड थी, यही बात है ना, फरवरी में ज्यादा ठंड थी, लेकिन जब राहुल जी 6 जनवरी को पानीपत के अंदर हमने रैली करी, वहां पे आपने हरियाणा की गर्मी दिखा दी थी, मैं आपको बधाई देना चाहता। तो उनने भी जाते हुए कहा अमित शाह ने कि भाई तैयारी रखना, बीजेपी वालों चुनाव साथ हो सकते हैं, वो भी हालात समझ गए कि प्रदेश के अंदर जो सरकार, उसका लोकप्रियता ग्राफ कितना गिर चुका है, उनको भी समझ में आई। कुल मिलाकर एक साल के भीतर चुनाव, ऐसे समय में आप और हम यहां पे इस सभा में बैठे, और जब चुनाव में एक साल रह जाए तो जनता के सोचने विचारने का समय आता है। हमारे प्रजातंत्र संविधान के अनुसार 5 साल में चुनाव, पहले 4 साल सरकार के काम करने की नीति और नियत के, और आखिरी 1 साल जनता का सोचने विचारने का और अपने अगले भविष्य के फैसला करने का समय आता है। आज ऐसे समय में हमारा आप यहाँ पे इकट्ठे हैं, और इस सरकार को तो, जो हरियाणा की सरकार, ये खट्टर सरकार, इस सरकार को तो मात्र 4 साल नहीं, 9 साल हो गए। 9 साल में इन्होंने हरियाणा में क्या किया, हरियाणा को आगे लेके गए या विकास की पटरी से उतारा, आपका हमारा दिल जानता है। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के मामले में देश में सबसे आगे के राज्यों में जाना जाता था, विकास दर में हम नंबर 1 थे,
प्लानिंग कमीशन के अनुसार लगातार 4 साल तक विकास दर हरियाणा की देश में सबसे ज्यादा थी। 2010 से 14 तक प्रति व्यक्ति आय में नंबर एक थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में नंबर एक हरियाणा था, किसान के हितकारी फैसलों में, चाहे किसान के बिजली के कर्जों की माफ, चाहे कोऑपरेटिव के कर्जों की माफी की बात हो, बिजली के बिलों की माफी की बात हो, गन्ने के भाव में नंबर एक थे, पॉपुलर के भाव में नंबर एक थे, धान के भाव में नंबर एक थे, और गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में चाहे 4 लाख गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट गरीब परिवारों को मुफ्त में देने की बात हो, चाहे प्रियदर्शनी आवास योजना के मकान की बात हो, गरीब के कल्याणकारी योजनाओं में देश में नंबर एक थे। चाहे स्कूल के अंदर देश में सबसे ज़्यादा पहली क्लास से और 12वीं क्लास तक स्कूल के अंदर वजीफे की बात हो, और बड़े बुजुर्गों की पेंशन में हम नंबर एक थे। हरियाणा आगे था, 10 साल तक किसी वर्ग को आंदोलन करने की जरूरत नहीं आई, किसी वर्ग को सड़क पर आने की आवश्यकता नहीं आई, और अगर किसी वर्ग का कोई धरना लगा तो शाम तक मान सम्मान से उनसे बात करके उसका समाधान निकालने का काम उस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, हुड्डा साहब की सरकार ने संवेदनशीलता से 10 साल तक कोई आंदोलन नहीं हुआ प्रदेश में। सुख शांति से, अमन चैन से, आपस के भाईचारे से, खुशहाली की तरफ हरियाणा आगे बढ़ा। वो हरियाणा 9 साल पहले बीजेपी के हाथों में गया, खट्टर साहब के हाथों में गया। 9 साल के बाद वो हरियाणा जो विकास में नंबर एक था, आज नीति आयोग बता रही है विकास दर में तो 19वें पायदान में, लेकिन नंबर एक पहुंच गया तो बेरोजगारी में, जैसे कि अभी हमारे नौजवान साथी कन्हैया ने बताया, बेरोजगारी में आज दुख की बात है कन्हैया जी, दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे हैं। देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए, लेकिन देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार प्रदेश, कोई उद्योग लगा नहीं। जैसे आपने बताया, जब हमारी सरकार थी कहीं IMT लग रही थी, कहीं फुटवेयर पार्क लग रहे थे, कहीं थर्मल के कारखाने लग रहे थे, कहीं यूनिवर्सिटियां बन रही थी, कोई निवेश हुआ नहीं, ना प्राइवेट क्षेत्र के अंदर रोजगार और सरकारी क्षेत्र के अंदर 2 लाख नौकरी हरियाणा के अंदर या तो समाप्त कर दी गई या रिक्त पड़ी है। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं, और जो रोजगार हैं, जो नौकरियां निकाली गई एक के बाद एक, पेपर लीक घोटाले, HPSC के दफ्तरों के अंदर से 1.5 करोड़ रुपया बरामद उन अफसरों के पास हुआ जिनको मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से वहां पे लगाने का काम किया था। घोटालों की भेंट चढ़ गया भर्ती, अभी PGT की भर्ती निकली थी उसको वापस ले लिया, और जो रोजगार थोड़े बहुत निकले भी वो भी पक्के नहीं, कच्चे। कौशल निगम में, जैसे आपने कहा कि जो सरकारी यहाँ कौशल निगम के हरियाणा, तो हरियाणा सरकार की बताई आपने, केंद्र सरकार की बताई कन्हैया जी, जो अग्निवीर योजना, सारे हरियाणा, सारे देश में सबसे ज्यादा फौजी आज गर्व है, हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हर साल देश की आज़ादी के बाद से और 2019 तक हर साल औसत के रूप में 5,500 बच्चे फौज में भर्ती होते थे हरियाणा से। 2 साल भर्ती नहीं हुई कोविड के बाद, और उसके बाद अग्निपथ योजना आ गई, और इस साल केवल 125 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से 700 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस आ जाएंगे। रिश्ता होता है, रिश्ता करने जाते हैं, कहते फौजी है, फौज में गया है, तो चेक करना पड़ता है कि कौन सी फौज में गया है। यही बात हो रही है ना, ये स्थिति। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, आपने सही कहा। 400 रुपए का सिलेंडर था तब नारा चलता था, जब हमारे समय 2014 में कांग्रेस के समय 400 रुपए में सिलेंडर था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इससे दुगना महंगा था तेल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इससे दुगना महंगा लेते थे। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर सस्ता देते थे, 400 रुपए पे सिलेंडर था, नारा चलता था बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार, और अब नया नारा चल रहा है, मैं देख रहा था टीवी के चैनल पे, एक नया नारा है, महंगाई हुई कम क्योंकि बीजेपी में है दम, हरियाणा में नया नारा लगाया है। मैं पूछना चाहता हूं, सिलेंडर 400 से कम हुआ या 400 से कुछ बड़ा? हमारी काकी ताई बैठी हैं, आपकी बात नहीं जची हमें, क्योंकि मीडिया में तो चल रहा है कि महंगाई हुई कम क्योंकि बीजेपी में दम, मीडिया में चला रहे हैं, मीडिया भी, देश की मीडिया भी किन के कहने से चलती है मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार ये जो सरकार बनी है, ये सरकार केवल लूट और छूट के लाइसेंस पे सरकार बनी है। मैं कन्हैया कुमार जी को बताना चाहता हूँ, पहली बार हरियाणा ये आए,
ये सरकार लोगों के मन दिल से सरकार नहीं बनी, लोगों ने तो सरकार पलटने का फैसला सुनाया था। 75 पार का नारा था बीजेपी का, था कि नहीं था 75 पार का नारा? बीजेपी कहती थी 75 पार, और दुष्यंत चौटाला कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। कहते थे कि नहीं कहते थे, मैं पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। अब प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। कहा कि हम समझौता हो गया हमारा, दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जींद जिले के। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यहां से लगभग सीट जेजेपी पार्टी की आई, एक कांग्रेस की आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि जो 5100 पेंशन देगा हम उसको समर्थन करेंगे। भूल गए जमुना पार को, तो पहले दिन भूल गए। कहा जो 5100 पेंशन देगा उसका समर्थन करेंगे। 31 विधायक लेकर हमने दिल्ली में हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तुरंत 5 मिनट के बाद कि भाई हमें 5100 पेंशन देंगे, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र में पहली मांग हमारी हमारे घोषणा पत्र में है। और हम 2019 नवंबर 1 से कहा, हमने कहा एक हम तारीख भी बताते हैं, यानी कि आज से 4 साल पहले 5100 पेंशन देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वह 5100 पेंशन जिसपे समझौता हूं कि इन्होंने कहा कि नहीं हम बीजेपी को दे रहे हैं, वह 5100 पेंशन आ गई या नहीं आई? विश्वासघात कर दिया। उचाना में लोगों से पूछा था, उचाना में जाके लोगों से पूछा था कि क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा था कुछ भी करो, बीजेपी को बीजेपी का साथ ना देना, कुछ भी करना पड़े बीजेपी का। लोगों ने कहा था कि नहीं कहा था, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं। उचाना से गाड़ी चली, सीधे रास्ते गाड़ी चल रही थी, उचाना से जींद होके रोहतक होके टिकरी बॉर्डर तक गाड़ी ठीक रास्ते पे जा रही थी। दिल्ली में गाड़ी बढ़ते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों सड़कों पे हिलस्ती थिलस्ती गाड़ी बीजेपी के कार्यालय और गृह मंत्री के घर में जाके गाड़ी बढ़ गई, और बाहर निकल के कह दिया 5100 पेंशन पे हम समझौता करते। लोगों को जो है लोगों के साथ विषय समझौता 5100 पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार की लूट का समझौता था। और ये हम नहीं कह रहे, ये इनके विधायक कह रहे हैं। ये हम कहें तो हमारी बात मत मानना, मगर दादा गौतम का पहले दिन ही बयान आ गया जब महकमे बटे, क्योंकि महकमे इस हिसाब से नहीं बांटे कि लोगों का काम कैसे हो, महकमे इस बात से बांटे कि जनता से जनता की गाड़ी कमाई से लूट कैसे मचाई जाए, शराब महकमा किसके पास आए, एक्साइज महकमा किसके पास आए। और दादा गौतम ने तो शुरुआत में ही बता दिया था कि एक खोपर बढ़ गया सरकार में और पूरा ही जीवन लग रहा है। ये बताई थी कि नहीं बताई थी? हम नहीं कह रहे, इनके विधायक बता रहे हैं, इनके सांसद बता रहे हैं भ्रष्टाचार का क्या आलम है। डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक के सांसद अभी पीछे पहरावर में कह रहे थे कि रोहतक के एक पूर्व मंत्री हैं, अमृत योजना 200 करोड़ रुपए कौन डकार गया, इनके सांसद बता रहे हैं। भ्रष्टाचार की इनकी लिस्ट लेनी है तो आप डॉक्टर अरविंद शर्मा से पूछो, रोहतक के सांसद से, दादा गौतम से आप जाके जानकारी लो। आज प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया, बेरोजगारी में नंबर एक बनाने का काम किया। और आज ये काम नहीं भी करते, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, विकास की पटरी से उतार दिया। हम सवाल पूछते हैं, हमारे समय 12 विश्वविद्यालय बने, जिसमें जींद में विश्वविद्यालय की प्रमोद बात कर रहा था, इन्होंने कितने बनाए? एक भी विश्वविद्यालय पिछले 9 साल में क्यों नहीं बना? हमारे समय 6 मेडिकल कॉलेज बने, इन्होंने कहा हर जिले में बनाएंगे, एक भी मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना? हमारे समय पूरे प्रदेश के अंदर 280 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी, जिसमें जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन भी शामिल है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इनकी एक भी इंच रेल की लाइन, बुलेट ट्रेन की बात करने इन्होंने क्यों नहीं बिछाई गई? एक भी थर्मल का कारखाना क्यों नहीं लगा? काम नहीं हुए, मगर काम ना भी होते तो भी हम काम चलाते, जिस बात का मुझे दुख है। इन्होंने आपका और हमारा अपमान करने का काम किया, काम नहीं भी होते तो भी हम काम चला लेते। मेरे का मैं मगर मैं अपने क्या कहता उसे कहना चाहता हूँ अपने बड़े बुजुर्गों से, आपका हमारा जो अपमान इस सरकार ने करने का काम किया, हर वर्ग का अपमान, हर वर्ग को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़क पे आना पड़ा, और हर वर्ग का तिरस्कार इस खट्टर सरकार ने किया। किसान 1 साल तक बैठा रहा, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, कोई आंसू पोंछने नहीं आया। हम संसद में, मेरा सौभाग्य भी है मेरा दुर्भाग्य भी है,
मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपके आशीर्वाद से देश की संसद में आज मुझे लगातार, मैं पिछले 19 साल से मुझे अवसर मिला है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसे समय में आज 15 सांसद है हरियाणा में, राज्यसभा लोकसभा से 14 भाजपा के हैं। तो देश की उस संसद में उस समय जब मैं किसान आंदोलन की बात उठाकर गवाही देने की आपकी कोशिश करता था, कहता था कि इनकी बात मानो, इनकी बात नहीं मानते तो कम से कम इनको इंसान मानो, किसी धरने पे किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो प्रशासन में हड़कंप आ जाते हैं, यहाँ पे घरों के चिराग बुझ रहे हैं, हर रोज इन धरनों से शव वापस आ रहे हैं, कम से कम खड़े होकर कोई सहानुभूति के दो शब्द कह दे कोई भाजपा का मंत्री कोई सांसद, तो मजाक उड़ाया जाता था, देशद्रोही बताया जाता था। जिस किसान का एक बेटा ट्रैक्टर का स्टेयरिंग पकड़ के खेत जोतने का काम और देश को खाद्य सुरक्षा देने का काम कर रहा है, तो दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़ के देश को, राष्ट्र को सुरक्षा देने का चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे काम कर रहा है, उसको देशद्रोही बताया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, तिरस्कार। किसान सड़क पे आए, किसान पे लाठी चार्ज। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सड़क पे आए पंचकुला में, कर्मचारियों पे लाठी चार्ज। गरीब आदमी मनरेगा का बजट काट दिया, मनरेगा के बजट के लिए करनाल में गरीब आदमी सड़क पे आए, उन पे लाठी चार्ज। गांव का ग्रामीण चौकीदार सफाई कर्मचारी अपना मानदेय बढ़ाने के लिए पंचकुला पहुंचा, उन पे लाठी चार्ज। हमारी महिलाएं आशा वर्कर आंगनवाड़ी, हमारी महिलाएं करनाल में पहुंची, उन पे लाठी चार्ज। खिलाड़ी जंतर मंतर पे आज बैठे हैं, खिलाड़ियों का तिरस्कार। सरपंच अपने अधिकारों के लिए जब सड़क पे आए, सोचते कहा सरपंचों ने सोचा छोटी सरकार है, बाकियों पे लट बरसाए जा रहे हैं, कम से कम तुम्हारे को जो छोटी सरकार है तुम्हारा ख्याल रखेंगे, लेकिन सरपंचों की भी तसल्ली बिठाई, यही बात है ना। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिस वर्ग को अपने अधिकार के लिए, नौजवान सड़क पे अग्निपथ योजना के खिलाफ, नौजवानों पे मुकदमे दर्ज कराने का काम इस सरकार ने किया। अही रेजिमेंट के लिए गुड़गांव में नौजवान आए, उनको उनपे लाठी चार्ज, उनके पुलिस की भाषा से उनसे उनकी मांगों का जवाब दिया गया। भगवान परशुराम जयंती को मनाने के लिए पहरावर के अंदर नौजवान आए, तो उनका तिरस्कार। कोई वर्ग ऐसा नहीं। और अब तो मुख्यमंत्री जी एक जन संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने देखा होगा, किस घमंड में है, किस अहंकार में है, ये समझ में नहीं आता। लगता है मुख्यमंत्री जी को अपनी प्रशंसा सुनने की इतनी आदत हो गई है कि कोई अगर उनके सामने कोई बात रखता है तो वो उसी व्यक्ति का अपमान करने का काम करते हैं। सिरसा के अंदर एक हमारी महिला जो विधवा, उनका 22 साल का बच्चा चला गया नशे से, वो मुख्यमंत्री जी के सामने केवल ये एक बात कहना चाह रही थी कि मेरा तो चला गया नशे से, लेकिन गांव के अंदर सरकार के संरक्षण में जो चिट्टा बेचने का काम करते हैं, कम से कम उन पे कार्रवाई आप करो। तो जब उठ के उन्होंने बात करी तो मुख्यमंत्री जी का, आपने मुख्यमंत्री जी को सुना होगा, उन्होंने कहा किसी के सिखाई हुई भेजी हुई है कि एक को कह दिया कि इसको उठा के पिटवाओ, पिटाई करो इसकी, पिटाई कराने का तो अधिकार प्रजातंत्र में संविधान में दिया नहीं, किसी मुख्यमंत्री को नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया। लेकिन अहंकार, ये इनका घमंड, सातवें आसमान पे घमंड है। मैं पूछना चाहता हूँ जींद वालों से, इनका घमंड तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे, इनके जो अहंकार को चकनाचूर करना है कि नहीं करना है। घमंड बहुत हो गया है और इनका घमंड टूटेगा, मुझे विश्वास है। आज हरियाणा के एक एक जिले में मैं जा रहा हूं, मुझे विश्वास है, पिछली बार भी 75 पार की हवा निकाली थी और इस बार परिवर्तन होगा और बड़े बहुमत से परिवर्तन होगा। लेकिन हरियाणा में सरकार ये जानी सरकार जाना तय है और कांग्रेस की सरकार आना तय है चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जींद से, भाई सरकार तो बनेगी लेकिन जींद की 5 सीट हैं, सबसे ज्यादा अगर हमें कहीं से उम्मीद है तो भाई जींद से उम्मीद है, क्योंकि भाई जो है, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो जींद की 5 सीट है भाई, 5 की 5 सीट, और भाई सबसे पहले नतीजा प्रदेश में जब गिनती हो तो भाई 5 की 5 सीट तड़के डिक्लेयर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
और भाई देखो, भाई देखो, और हमारे संकल्प हैं, ये इन्होंने कहा ठीक, प्रमोद जी ने ठीक कहा, ये आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है और उसमें हमारे कुछ संकल्प हैं, वो आपके बीच में मैं दोहराना चाहता हूँ। हाथ से हाथ जोड़ो, पहला संकल्प जो भी जिनका हल्का सा जिक्र किया कि भाजपा ने धर्म जाति को पे समाज को तोड़ के जो राजनीति करी, कन्हैया जी कह रहे थे, हमारा पहला संकल्प है कन्हैया जी, हाथ से हाथ जोड़ो हरियाणा के हर नागरिक को दूसरे हरियाणा वासी से प्यार और प्रेम की डोर से जोड़ो, आपस में धर्म और जाति से ऊपर उठ के प्यार और प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं हाथ खड़ा आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बार हाथ खड़ा करके, पहला संकल्प एक बार। इसके बाद दूसरा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो बीजेपी का घमंड तोड़ो, घमंड तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, दूसरा संकल्प अगर ठीक लगे तो हाथ खड़ाना बताना। हाथ से हाथ जोड़ो किसान को MSP की गारंटी से और किसान को मान सम्मान से जोड़ो, ताकि 10 साल तक जैसे हमारी सरकार में आंदोलन नहीं करना पड़ा, किसान को आगे जब सरकार बने कांग्रेस की तो आंदोलन ना करना पड़े, तो किसान को MSP की गारंटी और मान सम्मान से जोड़ो। चौथा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो नौजवानों को काम से जोड़ो, रोजगार से जोड़ो, 2,00,000 पद जो समाप्त कर दिए रिक्त पड़े हैं, पहली कलम से जिस दिन आपकी सरकार बनेगी पहली कलम से 2,00,000 नौकरियों की भर्ती निकालने का काम करेंगे प्रदेश के नौजवानों को। हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो महंगाई का चक्कर तोड़ो, जो अभी सिलेंडर कह रहे थे जो पहुंच गया आज 12-3 गुना हो गया, जैसे राजस्थान की हमारी सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर करके दिखाया, हाथ से हाथ जोड़ो हर गृहिणी को 500 रुपए सिलेंडर से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो हमारा संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ो महंगाई का चक्कर तोड़ो और हर परिवार को आज बिजली के जो इतने बिल आ रहे हैं, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो हमारा अगला संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ो जैसा हमारी हिमाचल सरकार ने करके दिखाया है, हाँ, और जैसे हिमाचल राजस्थान और अब कर्नाटक की सरकार भी कर देगी 2 दिन के बाद, हाथ से हाथ जोड़ो हर कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। और भाई हाथ से हाथ जोड़ो बड़े बुजुर्गों को नहीं भूलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा और विश्वासघात बड़े बुजुर्गों के साथ हुआ है, बड़े बुजुर्गों को नहीं बोलेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक डंके की चोट पे और खुछुट्टी बोल के, सुनो केजरीवाल सुनो बीजेपी, किसी सरकार में अगर दम है तो मुकाबला करना, हरियाणा की बुढ़ापा पेंशन का मुकाबला करना। हाथ से हाथ जोड़ो हर बड़े बुजुर्ग को 6,000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, हरियाणा के अंदर सबसे सर्वाधिक करने का काम करेंगे। और हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो हरियाणा को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो, हरियाणा को विकास की रफ्तार से। अभी बता रहे थे प्रमोद की यूनिवर्सिटी, मुझे गर्व है इस बात का, जींद और हमारा कितना अपनापन है अंदाजा इस बात का आप लगा लेना, एक बात में से तो बहुत एक एक काम गिनवाने की नहीं होते मगर भावना होती है। हरियाणा के इतिहास में अलग अलग यूनिवर्सिटी बनी, जब कांग्रेस की सरकार थी चौधरी भजन लाल जी के समय हिसार में कुजंबेश्वर यूनिवर्सिटी बनी, जब सरकार थी इनेलो की ओम प्रकाश चौटाला जी के समय तो उन्होंने घोषणा करी थी बनाई नहीं, बना आके हमारी सरकार ने बनवाई, लेकिन चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी उन्होंने सिरसा में, और जब हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, जींद से हमारे विधायक नहीं थे, जींद में 2009 में कोई विधायक नहीं आए 500 सीटों पे, लेकिन जब चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई तो वो यूनिवर्सिटी जींद के अंदर बनवाने का काम किया, अपनेपन की बात होती है। तो ये अंदाजा, तो अभी बता रहे थे प्रमोद कि यूनिवर्सिटी है लेकिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, कॉलेज बनाया लड़कियों का कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, अस्पताल बनवाया उस समय अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, स्टेडियम बनवाया लेकिन स्टेडियम के अंदर कोच नहीं है, तो जींद को आज विकास की पट्टी से उतार दिया जो मौजूदा विधायक हैं, ये अंडरपास बनवाया तो ऐसा अंडरपास बनवाया, आज सारा शहर अंडरपास के लिए परेशान हो रहा है, यातायात के लिए रेलवे फाटक के साथ आते ही, मैं कहना चाहता हूँ ये तो सरकार बनवाए, जैसे पहले हमने कई पुल बनवाए थे, नहीं तो आते ही हम ये जो अंडरपास की जो समस्या है आज शमशान की तरफ जाके भी परेशानी होती है, फाटक के साथ एक छोटा जो अंडरपास देने का हम सीधा हम काम करेंगे ताकि यहाँ पर। और भाई ये जो कमियाँ हैं
हमारे स्टेडियम चाहे स्टेडियम की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, कमियां हैं वो तो दूर करेंगे करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि विकास, जैसे पिछली बार जींद को रेल से जोड़ने का काम किया जब हमारी सरकार थी, इस बार औद्योगिक क्षेत्र एक IMT, ये हम संकल्प लेते हैं कि भाई एक IMT एक औद्योगिक क्षेत्र भी जींद के अंदर आने वाले समय में, ताकि जींद विकास की तरफ आगे बढ़े। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, जींद सहित समेत पूरे हरियाणा को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो, ये सारे हमारे संकल्प हैं भाई। ये संकल्प अगर पारित हैं तो एक बार हाथ से हाथ जोड़ के, अपने अपने आदमी जो साथ बैठा है, एक बार हाथ से हाथ जोड़ के, एक बार हाथ खड़े करके बताओ भाई इसमें सारे संकल्पों में आप साथ हैं। एक बार ऊपर रखना, हम देखना चाहते हैं इस संकल्पों में कौन कौन साथ है, एक बार ऊपर रखना। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका, और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ हमारे प्रेस के साथियों का, क्योंकि ये भी यहाँ से ले रहे थे, आपने देखा होगा लाइव। अब ये जैसे हमने हाथ को ऊपर किया, ये भी ऊपर से लाइव लेने लगे, यूं खड़े होकर यूं कर दे। और भाई हाथ से हाथ जोड़ो, CET वाले आए हुए हैं तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, 4 गुना का खट्टर साहब का चक्कर तोड़ो और CET को क्वालिफाइंग से जोड़ो, ये भी आज हम संकल्प लेना चाहते हैं, ये भी हमारा संकल्प है। अच्छा, और हाथ से हाथ जोड़ो गरीब को, क्योंकि 100-100 गज के हमारे प्लॉट की योजना भी रह गई, 4 लाख SC वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 36 बिरादरी गरीब परिवार, 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे। इस सरकार ने ना तो उन प्लॉटों पे आगे काम कराया, ना उन कॉलोनियों को विकास विकसित कराया, ना मकान किसी का आया, किसी को मकान की सहायता नहीं मिली। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि भाई हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट से, और दो उन 100 गज के प्लॉटों पर 2 कमरे की सरकारी सहायता से 2 कमरे के मकान से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, ये हमारे संकल्प है। और भाई ये तो संकल्प भी हैं, जैसा आप कहोगे, आपको पता है जो है जैसा आप कहोगे, मगर और भाई वो कच्चे वाली बात भी है, कच्चे कर्मचारी वाली बात, 10 साल की हमने जो कानून बनाया था इन्होंने निरस्त कर दिया, ये बहुत सी बातें, लेकिन भाई इन सारी बातों के लिए एक साल से कम का समय, लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होंगे, उसमें आपको और हमको मिलकर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो सारे संकल्प हमने रख दिए, अब वो मेहनत जो शपथ की बात करी अभी कन्हैया जी ने कि आज कर्नाटक की शपथ, जो कर्नाटक से जो आवाज आई, जो शपथ हुई, भाई दिन रात आपको मेहनत और हमको मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत में आपका साथ और सहयोग पूरा मिलेगा। तो एक बार आखिर में लास्ट बार हाथ खड़े करके बता दो, मैं कहा भाई थोड़ी और एक्सरसाइज, बहुत बहुत धन्यवाद, जय।